व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम घोटाले में घिरी शिवराज सरकार अब हमलावर हो गई है। जी हां, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, अगर मुझ पर लगे आरोप सच साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, व्यापम घोटाले में कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। लेकिन मैं आज एक आरोप लगाना चाहता हूं, कांग्रेस की रुचि व्यापम में नहीं है। व्यापम कैसे सुधरे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें नहीं है। वो व्यापम की आड़ लेके मेरी प्रतिमा खंडित करना चाहते हैं, मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। इसलिए मनगलन और झूठे आरोप, परिवारों पर आरोप, परिवार पर आरोप, बिना तथ्य के आरोप, एक प्रमाण नहीं है। एक प्रमाण होता तो जाओ ना कोर्ट में, आरोप लगाएंगे और निकल जाएंगे, ताकि भ्रम का वातावरण बन जाए और ये लगे कि कोई गड़बड़ हो गई। थोड़ी देर भ्रम का वातावरण बनाने में ऐसा लगा कि सफल हुए, लेकिन तथ्य सामने आए तो एक आरोप नहीं तो दूसरा आरोप लगाओ, फिर तीसरा आरोप लगाओ। और मैं चुनौती देके कहता हूं, एक भी आरोप अगर सच हो गया तो संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा। लेकिन कुछ तो भी कहना। तो सुना, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पलटवार कर रहे हैं कांग्रेस पर, कह रहे हैं आरोप आप लगाते रहिए, अगर सही साबित हुए संन्यास ले लूंगा, वरना बंद करिए। भोपाल से प्रवीण दुबे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था शिवराज सिंह चौहान काफी गुस्से में है, लेकिन आपके हिसाब से ये ऐलान करने के अलावा कि अगर आरोप साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जाहिर है यही कहेंगे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या बात कही उन्होंने? देखिए, दो तीन चीजें कही और दिलचस्प ये है कि सदन के अंदर शिवराज ने कहा तो उन्होंने जिंदगी से संन्यास लेने की बात कही थी। सदन के अंदर उन्होंने कहा था कि यदि आरोप साबित हुए तो मैं दुनिया से संन्यास ले लूंगा। बाहर आके फिर उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसे करेक्ट करते हुए। और आज एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिवराज सरकार ने 10-12 साल पुरानी दिग्विजय सिंह सरकार के घोटालों की फेरिस्त इस व्यापम के आरोपों के जवाब में दी, जो मेरी समझ से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को गए हुए यहाँ से बहुत लंबा अरसा हो गया। उनका ये कहना था कि कांग्रेस की राज में ज्यादा घोटाले हुए बनिस्बत इनके सरकार में। हमने उनसे पूछा भी कि आप इसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, यदि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार था तो क्या आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो, ये सही होगा? उसके जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि व्यापम हमने क्यों बनाया था, क्योंकि कांग्रेस के राज से भ्रष्टाचार होता रहा था, इसलिए हमने व्यापम बनाया। हालांकि शिवराज ने अब ये रणनीति बनाई है कि वो आक्रामक रहेंगे ताकि कांग्रेस को ज्यादा मौका ना मिले। माना